Priya Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. गोरखपुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 25 जुलाई को नॉर्मल कंपाउंड में शहीद दिवस के रूप में मनाया। 25 जुलाई 2017 को माननीय उच्चतम न्यायालय से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के कारण प्रदेश में लगभग 700 शिक्षा मित्रों की मौत अवसाद के कारण हो गई, जिनको याद करते हुए 25 जुलाई की शाम को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र उपस्थित रहे। इस दौरान शिक्षा मित्रों ने संबंधित मांगों का ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। आगे सभी शिक्षा मित्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों का समायोजन संविलियन मध्य प्रदेश या उत्तराखंड के आधार पर किया जाए, जिससे हम सभी शिक्षा मित्रों का जीवन सुरक्षित हो सके। कि जब शिक्षा मित्र 2250 में पढ़ाता था तब योग्य था, तब उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ना न्यायपालिका को, ना सरकार को, ना समाज को। फिर पुनः हम 3000 पाते थे तब भी नहीं दिक्कत थी, 3500 पाते थे तब भी नहीं दिक्कत थी। दिक्कत न्यायालय को, समाज को, सरकार को तब दिक्कत हो गई जब हम 40000 पाने थे। 40000 पाते थे, 10000 मानदेय पर कर दिया गया। और अगर सरकार चाहती तो हमको पुनर्विचार याचिका के माध्यम से पुनः पद स्थापित कर सकती थी, क्योंकि 25 जुलाई आप लोग जानते होंगे सत्र प्रारंभ होता है, उस समय बच्चों का नामांकन गांव घर घर से बच्चों को ला करके विद्यालय में नामांकन कराया जाता है। ऐसे समय में हमारे पूरे 137000 का समायोजन रद्द कर दिया गया था, बेसिक शिक्षा पूरा उथल पुथल हो गया था। शिक्षा मित्रों को बीजेपी वालों ने ही लाया था, टॉप 10 शिक्षा मित्रों को लाया था, गरीब परिवार के बच्चों को अवसर दिया था कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे अच्छी तकदीर देकर और अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन बीजेपी ने के ही लोग आज शिक्षा मित्र के साथ इतना न्याय कर रहे हैं, जिससे शिक्षा मित्र यह सोचकर नहीं मर रहा है कि हम खा नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे।